मॉर्निंग गाइस, चलो उठते हैं। माय बेस्ट उठते ना मानी भाई, यार रिमोट जैकेट ताकि पहनने खातिर पहनबो ला पहन ला ला पिंक दी येलो दी ब्लू दी कौन चाहिए बोला ब्लैक यू डोंट वांट दिस इट्स योर्स ना यू गिवन टू मी नॉट परमानेंट सी 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 आई हेट दिस बिहेवियर वील वेयर बोथ गुड मॉर्निंग गाइस, चलो वापस मेरे दिन की शुरुआत करते हैं विद अ कोकोनट वाटर एज यूजुअल। और बताओ कैसे हो आप लोग? सबको ये अच्छा होगा, ठंडी लग रही होगी सबको हमारे से नहाने के बाद, कितना ठंडी लग रही है। अरे यार आराम से, अरे दो दरवाजा बजाए, बिल मत बजाए, बिल कहने बजे बिल बात है, तू खाई वाला काम कहने बजे। गाइस तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही, आज पोहा, आज ओट्स खाने की इच्छा ही नहीं थी, कुछ ऐसा चटपटा खाना था तो मैं आज पोहा खा रही हूँ रास्ते में। मैं और पापा नाश्ता कर रहे हैं, महिमा का अभी पूजा चल रहा है और घर में प्रवचन चल रहा है, तो महिमा का भी ना नाश्ता किया, यहाँ पे उसका जाप चालू है। धनम आ जाओ, लो माचा फुल ली पेप्सी। गाइस यू नो 17 तारीख से हमारा छठ पूजा शुरू हो रहा है एंड द पीपल हु आर फ्रॉम यूपी एंड बिहार उनको पता होगा बहुत अच्छे से, एंड क्योंकि हमें इस त्यौहार का काफ़ी टाइम से इंतज़ार होता है और ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है क्योंकि इसमें आप डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हो और उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हो। आपको देखने को मिलेगा जब हमारे घर छठ की तैयारी होगी, स्टे ट्यून टू आवर। आप इसी तरीके से हमारे वीडियोस में बने रहिए और ताकि आपको भी पता चलेगा कि हम हमारे घर पे छठ पूजा कैसे मनाते हैं। ये हमने स्टार्ट किया था पिछले साल, ये हमारा दूसरा साल रहेगा छठ पूजा का एंड वी आर जस्ट ईगरली वेटिंग। एंड आपको पता है छठ पूजा का प्रसाद बहुत टेस्टी होता है एंड सबको पसंद आता है, स्पेशली द ठेकुआ विच वन ऑफ माई फेवरेट। मैं आज मॉर्निंग में जिम नहीं गई, मेरी इच्छा थी आज शाम को जाने की क्योंकि सुबह सुबह भैया भी जाने वाले थे तो ऐसे छोड़ के जाना अच्छा भी नहीं लगता, तो काम होने के बाद मैं जाऊँगी जिम, फिर मैं वर्कआउट करूँगी। यू नो कुछ भी ऐसे तकलीफ रहने दो बॉडी को, बट जब तक वर्कआउट नहीं किया ना ऐसे जिम जाके एकदम एक्टिवनेस नहीं आती मेरे अंदर। अभी तो मैं काम कर रही हूँ फिर भी आपसे बात कर रही हूँ। आप लोगों को पता है छठ पूजा में कोई किधर भी रहने दो यार, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, लोग लंदन में रहने दो, न्यूयॉर्क में रहने दो, अमेरिका में रहने दो, वहाँ भी छठ सेलिब्रेट करते हैं एंड इट्स एन इमोशन। आपको देखने को मिलेगा हमारा इमोशन 17 तारीख से, बने रहिए। बात मत करना, नहीं घर की बात जा ना, जा जा ना, हटा हटा हटा, जा जा छोड़, हम लगे छोड़, जो 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 हट हट हट, आप दिमाग खराब मत कर, हम बात ना करें अंदर से, हटा जा छोड़ दी, छोड़ हम लगे दीदी, लीव मी टू मच हैप्पी,
लीव लीव मी मां चल खाना खा चल अरे भूख नहीं की जा ना चल खाना खाए गिव चश्मा दो चल चश्मा दो हमर चल खाना खाए चल हेलो गाइस देखो ये अभी सो गई थी और अभी लंच टाइम है तो लंच टाइम पे कौन सो जाता है ना तो मैंने इसको उठाया तो इसको गुस्सा आ गया फिर ये गुस्से में बड़बड़ा रही है उठाया कि सिर पे आके चिल्लाया तुमने और कोई भी डर जाएगा ऐसे आई वेरी सॉफ्ट हार्टेड हम अन की पी के तेरा गुस्सा के दवा बे यार हम नहीं कर का आई लो गुस्सा की दवा ओ ना सुने ये 2 बजे गए खाना खा चलो चलो उतरो नीचे उतरो आयल ऐसे बीच में ना रखा करो नहीं तो जला देंगे तुम्हारा भाई ऐसे मार के बुतो पढ़ाई करते रहवी तो कहवी कि दीदी मोबाइल की आवाज़ कम करो ना कर भी तो हम कभी जरा सुती ही जाता नहीं शायद शांति मिल जाए थोड़ा तो सुते कभी तो मोबाइल बंद करके सुत गई जब तक पढ़त रहे तब तक मोबाइल चले हैं आवाज़ आई डिस्टर्ब हुई हमारा और जब हम सुते जाते एकदम बंद करके सुत जाए हैं तो इंदिरा के भी बोले ना माँ कहीं ना करते भैया डिस्टर्ब बोला हमारा फिर मोबाइल कहीं चलाते हमारा आवाज आउत रहे और जैसे हम सुते कभी तुरंत बिस्तर जब मेरा करियो नो तू वही टाइम हमारे का बात ठीक माँ चल हो गए रॉन्ग टाइम पे पढ़ाई के दिन फिर कहीं डिस्टर्ब करे क्या यही बात कहा नहीं कितना झगड़ा होता रे बड़ी बड़ी ये वजह बड़ी ये वजह बड़ी चटनी ठीक लो माँ तो आजकल भाई नहीं को देता हमारे गाइस आपको पता है माँ कल से कितना परेशान थी क्योंकि उनकी जो मैचिंग मैचिंग चूड़ियाँ थी बैंगल्स वो नहीं मिल रहे थे जिसकी वजह से उनका पारा एकदम हाई था कल से और अभी मिल गया है तो खुश हो गई हैं और अभी शांत हो गई हैं। अभी देखो अपनी सारी चूड़ियाँ कैसे अरेंज कर लिए बैठ के और महिमा का भी सर हल्का हो गया अभी हाँ महिमा यू आर ओके ना नाउ अरे यार शी वाज ब्लेमिंग टू मी दैट यू हैव कैप्ट आई टोल्ड हर आई हैव अरे यार 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 कर दो ये हमारी शादी में बारात के टाइम पर पहले रहनी चूड़ी ये मारवाड़ी सेट चूड़ी है इतना अच्छा चूड़ी रहा बनी देखो मेरी ब्रिंग ना आई विल ट्राई तो का हमेशा माँ की चीज ट्राई करने में इतना इंटरेस्ट रखी माँ की चीजें बेटियां ही ट्राई करती हैं लेकर आ देखो गाइस ये है माँ की फेवरेट चूड़ी इट इज कॉल्ड एज अ मारवाड़ी सेट चूड़ा एंड हियर इट इज मुझे बहुत पसंद है ऐसे देखो 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 कितना अच्छा लग रहा है प्रीटी कलर एक तू पहन चल बहुत बहुत शौकीन है यू वेयर इट वन ये देखिए ये चूड़ियाँ चल चल निकाल निकाल रखी said to me what I said बोली हम what I said yes and the way you answered me back What I answered you? Was horrible. What? I can't speak of what you have told to me. कुछ ना नहीं बोला मैं बोला का बोली हम थोड़ी गंदा बात बोले नहीं दिन भर चिरा लो कैमरा देख प्यार कर लागिलो अरे मत ए बंद गाइस अभी हो रहे हैं 6:30 एंड माँ बर्तन धो रही है मैं मेरा काम कर रही हूँ और महिमा शायद व्हाट यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग हम कहीं काम नहीं कर रहे मामा वाज कॉलिंग यू काम हां हां देखो काम होता है बहुत कुछ तो नहीं है
हेलो गाइस, तो आज बहुत ही हम लोग प्यार रहा होता। हां तो हम की प्यार कर रहे ना। ओह तुम्हारे भाई आई ऑलवेज लव यू बेबी बट यू डोंट इरिटेट मी। तुम्हारे पास फोटो तो अभी आज के डिनर में मम्मी हमारी बना रही है बेसन का चीला। यस बेसन के तो कैसे बना होता है का बोलो जलाए करके चीला तोरा पसंद के बहुत गोल गोल आइलवा। टमाटर कंदा हरी मिर्ची डाल के खा लेलवा। आज डिनर में हमारे पास है हमारा बेसन का चीला एंड केचप। तो चलो फिनिश इट ऑफ करते हैं पटकन से। महिमा तो ऑलरेडी खा ही रही है गैस। तो चलो खाना खाते हैं पटकन से। मैं ऐसे काम करते करते खाना खा रही हूँ। आज ऐसा कुछ पर्टिकुलर ज़्यादा कंटेंट नहीं था वीडियो में क्योंकि सुबह भैया को भी निकलना था। भैया भी चले गए और माँ पापा महिमा एज यूजुअल उनके नॉर्मल वॉक पे गए थे, फिर आए एंड फिर हमारा दिन शुरू हुआ। बाकी का तो आप लोग जानते ही हो कि मेरा दिन कैसे शुरू होता है नारियल पानी के साथ। और क्या तो अभी भैया तो चले गए, वो रिटर्न आएंगे क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारा छठ पूजा आने वाला है जो अराउंड 4 दिन के नवा 4 दिन का त्यौहार होता है वो एंड 3 दिन के फास्ट रहता है। माँ का 3 दिन का उपवास होता है बिना कुछ खाए पिए शायद। तो सब पूछ की इन्फॉर्मेशन देते रुका। हाँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इसलिए मैं पूछ के ही बता रही हूँ आपको। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको देखने को मिलेगा हमारा त्यौहार एंड हम कैसे मना रहे हैं। हाँ अच्छे से देखिए आप लोग, मेरी बेटी सब दिखाएगी। हाँ छठ पूजा कैसे हो रहा है आप देखिएगा। वैसे तो 4 दिन माना गया लेकिन 2 दिन का उपवास रहता है, निर्जला पानी भी नहीं पीते हैं। का फेमस छठ पूजा रहता है यूपी बिहार दोनों का। दोनों हाँ। और खाना हो गया आप लोग का? तो माँ यहाँ पे रील देख रही थी एंड सडनली हमें पता चला कि ये बैठे बैठे रोने लगी और रील एक्चुअली माँ के ऊपर ही था तो इनको शायद इनकी माँ की याद आ गई ना। माँ मत दिखा मत दिखा। ओए माँ ओ नो 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 हम मेरे कभी इमोशनल हो जाने तो गुस्सा कर लागी लो हमरे ऊपर पर का हो गई माँ खैर होते रू माँ की याद आ गई था माँ तार गाइस लोग के अच्छा ना लगी तू रो बुद्धा बोला फिर अरे चाय पी बुलाओ ना पिए खातिर पतीला उतारा पतीला में चाय बनी क्या बोल माँ कुछ माँ की याद आ गई शायद बस ने माँ अब का इमोशनल लोग हो गया था एक दिन ग्राफ फोन में ऐसे कंटेंट आ जाएगी। हाँ ना मत रो मत रो चल बनाएंगे रखो क्या बोल माँ ना बताओ कि तो पड़ी तेरा काम है कुछ ना बोलो याद आ गई माँ के नानी माँ के याद आ गई माँ मामा यस मामा होली दीदी यार बम बम होता है पटाखा पटाखा होता है। देखो नीचे अभी भी दिवाली चल रही है एंड ये हमारा सिटी लाइट गाइस। तो माँ बेसिकली रो रही थी एक्चुअली वो कुछ भी ऐसा इमोशनल देखते हैं चाहे वो रील हो या मूवी हो तो ऑब्वियसली उनको रोना आ जाता है द ह्यूमन नेचर राइट। सो उनको माँ वाला कुछ रील देख रही थी एंड ऑब्वियसली अगर कुछ रील अगर मदर के ऊपर हो तो वो इमोशनल ही होता है तो वही देख रही थी एंड फिर उन्हें नानी की याद आ गई हमारी। तो नानी बेसिकली हमारी इस दुनिया में नहीं है तो उन्हें उनकी याद आ गई बट इट्स ओके नाउ शी इज़ ओके। मैं आपको बस कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि हमने मॉर्निंग में भी काफ़ी सारी शूट की हुई थी लाइक मॉर्निंग वॉक एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें थी उसमें बट सडनली हमें पता चला कि हमारा वीडियो अचानक से वो सब गायब हो गया है तो इसके लिए कंटेंट इसमें से आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिख पाएंगे इस बार एंड इट इज़ लाइक हमारे लिए वो एक टाइप का इमोशनल डैमेज था बट स्टिल हमने किसी तरीके से मैनेज किया एंड हमने ये डिसाइड किया कि नहीं हम व्लॉग आज ऐसा नहीं है कि नहीं लाएंगे डेफिनेटली लाएंगे आपके लिए तो उतना ही लाएंगे जितना आज कंटेंट हमारे पास था। ओके सो यस गाइस
स्टे ट्यून टू आवर वीडियोज एंड प्लीज हमारे वीडियोज देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, सबको बताइए। एंड अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा है तो वो भी बताइए, नहीं पसंद आ रहा है तो क्या उसमें पसंद नहीं आ रहा है वो भी हमें कमेंट में बताइए। डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे उसे सुधारने के लिए। तो मिलते हैं आपसे कल की व्लॉग में। टिल देन आप सब अपना ध्यान रखिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, इंजॉय करिए। जय हिंद गाइस, सी यू, बाय बाय।